लगातार जारी है और इंतजार कर रही हैं ये महिलाएं। देखिए इंतजार हो रहा है और साथ ही साथ पार्टी की तरफ कहीं ना कहीं रोष भी व्यक्त हो रहा है और इंडिविजुअली जो नाम लिया जा रहा है वो कहीं ना कहीं पवन बंसल के खिलाफ रोष है। पहले आपको तस्वीरें दिखा देता हूं। आप देखिए कि ये कांग्रेस भवन है, राजीव गांधी भवन लिखा हुआ है। कांग्रेस भवन के सामने ये जो महिलाएं बैठी हैं, दरअसल कल प्रोग्राम था वुमेंस डे को लेकर के और महिलाओं की तरफ से जो प्रोग्राम रखा गया था उसमें ये कह सकते हैं कि नवजोत कौर सिद्धू ने यहाँ पे पहुँचना था विशेष तौर, जो कि कैंडिडेट भी हैं, कैंडिडेट के लिए नॉमिनेट कर चुकी हैं पार्टी के बीच में। तो तरफ पवन बंसल नॉमिनेट कर चुके हैं, मनीष तिवाड़ी ने नॉमिनेट किया है। उसके बाद में अगर कहा जाए तो नॉमिनेशन फाइल करने के बाद अब कहीं ना कहीं राजनीति इस तरह गरमाती हुई नजर पड़ रही है कि जो वुमेंस डे के ऊपर प्रोग्राम रखा गया था तो उसके लिए कहीं ना कहीं पहले इजाज़त ली गई प्रदीप छाबड़ा जो चंडीगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उसके बाद में इन कहें जो धरने पर बैठी हुई हैं उनकी अगुवाई कर रही हैं पूर्व मेयर हैं पूनम शर्मा। उनका साफ तौर पर कहना है कि ये ताला जो आप देखिए कि ये जो तस्वीरों के बीच में आप ताला देख रही हैं, आज उन पर माला भी चढ़ाई गई है कि इस ताले को खोला नहीं गया। हालांकि पीछे से आज कांग्रेस के बाकी अगर कहें तो कार्यकर्ताओं के द्वारा दफ्तर को खोल लिया गया है, लेकिन आगे पूनम शर्मा का धरना लगातार जारी है और उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक उनसे माफ़ी नहीं मांगी जाती, प्रदीप छाबड़ा नहीं बताते, तब तक उनका धरना इसी तरह से जारी रहेगा। और साफ तौर पे उन्होंने एक मेल भी राहुल गांधी को की है इस पूरे प्रकरण को लेकर के कि आखिरकार किस तरह से जो पूरा एक व्यवहार रह रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं जो एक बुरा इम्पैक्ट पड़ता हुआ नज़र आ रहा है, आखिरकार लोग इसमें क्या सोचेंगे। और इस धरने के बीच में अगर कहें तो पूनम शर्मा से भी हम बात करेंगे कि आखिरकार कितना समय और वो बैठने वाली हैं, क्योंकि मनाने का सिलसिला आज जारी हो चुका है। कांग्रेस के जो कुछ लीडर्स हैं जो कि पवन बंसल ग्रुप के कहे जा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं मनाने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और पूनम शर्मा का साफ तौर पर कहना है कि जब तक उनको वो माफ़ी नहीं मांगते हैं वो यहाँ से नहीं हटेंगी, इस धरने को इसी तरह से जारी रखेंगी बेशक कितना ही समय उनको बैठना पड़े। और पूनम शर्मा से अब बात करेंगे कि आखिरकार किस तरह से इस धरने के बीच में लगातार जारी रहा। मैडम धरना कल से लगातार जारी है, कोई मिलने आया? आज तो काफ़ी भीड़ लगी दिखाई दे रही। हमारे सभी सिटिंग काउंसलर, हमारे जनरल सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट, सारे पार्टी के यूथ और युवा, महिलाएँ, अध्यक्ष सभी आए हुए हैं। और ये हम कांग्रेस तो एक ही रहती है, लेकिन ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे को ताला खुलना चाहिए था। तो हमारे कुछ ही पलों में कहते हैं प्रधान साहब कहीं बाहर गए थे, वो आ रहे हैं जैसे ही वो आते हैं। और वो मुझे इंश्योरेंस देते हैं इस बात की कि जो उन्होंने आज बयान दिया है कि मैंने इसलिए नहीं दिया कि मैं किसी भी कैंडिडेट को नहीं अंदर आने दूंगा, तो भी पवन बंसल जी भी नहीं आएंगे, और अगर उनको आना चाहिए तो हमारे कैंडिडेट भी जाएंगे। और मैं पुनः यहाँ फंक्शन करना चाहती हूँ, मुझे इजाज़त दी जाए। कैंडिडेट की बात उन्होंने की तो अगर देखा जाए तो है तो वैसे सभी कांग्रेस के सिपाही उसमें कैंडिडेट नॉमिनेशन किसी ने भी फाइल किया। आप समझती हैं कि क्या उससे पहले इस तरह की पाबंदी कोई ऑफिशियल तौर पर लगाई गई हाईकमान की तरफ? मैं समझती हूँ इससे पहले कोई किसी ने अप्लाई नहीं किया था। पवन बंसल जी हमारे गुरु थे, वही अप्लाई करते थे, वही बात खत्म हो जाती थी, उससे ऐसा तो कुछ था नहीं। इस पर पहली बार महिलाएँ अलग से आई हैं, दूसरे अलग से आए हैं, तो सारे चलते हैं उसमें। देखिए अभी तक जो धरना प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। उनका साफ तौर पे कहना है कि प्रदीप छाबड़ा यहाँ पर आएंगे तो उसके बाद में ही ये धरना खत्म किया जाएगा, और वो भी जब तक इंश्योर नहीं करते हैं कि आखिरकार आगे से इस तरह का कोई भी प्रकरण सामने नहीं आएगा। जी, जी।